हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको सबसे कम समय में लॉन्ग सूट की कटिंग बताने वाली हूँ। तो चलिए कटिंग शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमने फैब्रिक लिया है जो कि सूट पीस है, तो इसकी जितनी लंबाई है हमें पूरी फुल लंबाई रखनी है। तो सबसे पहले हम इसको ओपन अच्छे तरीके से कर लेंगे, और यहाँ से सिलाई रहती है आगे पीछे दोनों ज्वाइंट रहती है, तो यहाँ से अलग अलग कर लेंगे आगे और पीछे का। तो यहाँ पे हमने आगे वाला लिया है, इस टाइप से वर्क किया हुआ है। इसको हम ऐसे डबल करेंगे, यहाँ इस तरीके से हमने डबल करना है नीचे से बिल्कुल बराबर। उसके बाद हमें बिना इंची टेप का ही आसानी से कटिंग करना है। तो कैसे करेंगे वो देखिए, इसके ऊपर हमें एक नाप लेना होगा जिस नाप का आपको बनाना है। तो मुझे इस कुर्ती के साइज से बनानी है, तो ये कुर्ती को हम इस तरीके से, लॉन्ग कुर्ती है तो इसी के साइज से हमें बिल्कुल ही रेडी करनी है। तो इसको हमें ऐसे लेनी है, ये बराबर कर लेंगे यहाँ हमने इसको ऐसे बराबर कर लेनी है। तो ये देखिए हमने इसको बराबर इस टाइप से कर लिया है, और इसको शोल्डर मिलाते हुए रखना है ये। तो सफाई से हमने इसको इस टाइप से रख लिया। अब सेम टू सेम हमें इसकी साइज से बनानी है। तो हमें पहले देखना है चाक कहाँ से खुल रही है इसकी, वहाँ पे एक मार्क लगानी है। तो इसकी चाक यहाँ से खुल रही है, तो यहाँ पे एक मार्किंग लगाएंगे। ये हो गया कमर वाला, ये हो गया आर्म होल वाला। उसके बाद हम इसमें फिटिंग देंगे ऐसे, तो ये हो गया फिटिंग वाला मार्क। 1.5 से 2 इंच हमें एक्स्ट्रा रखना है लूजिंग, तो यहाँ पे हमने ये ले लिया। उसके बाद यहाँ से हमें फिटिंग वाला नीचे का दामन, उसके बाद ये जो बनेगा चाक वो इस तरीके से। उसके बाद यहाँ पे हमें आर्म होल, ये रेडी वाला है, तो ये रेडी वाला आर्म होल 1/2 इंच बढ़ा के, उसके बाद ये इसको इस तरीके से सीधा लाइन खींचेंगे 1 इंच का, ऐसे गहराई देंगे। ये हो गया आगे वाला पल्ला का मार्किंग। उसके बाद इसको इससे मिला देंगे। लंबाई हमें फुल रहने देना है, लंबाई से हमें कोई कटिंग नहीं करनी है। तो अब करते हैं इसकी कटिंग, तो वो देखिए कैसे करते हैं। जो एक्स्ट्रा है उसको कट करके हटा लेंगे, इसको ऐसे अच्छे तरीके से बैठा लेते हैं। तो यहाँ पे हमने बैठा लिया, अब कर लेते हैं कटिंग। ये देखिए ये एक्स्ट्रा वाला है। उसके बाद आर्म होल की कटिंग करेंगे। ये तो ये हो गई आगे वाली पल्ला। अब इसी को रखते हुए पीछे वाली पल्ला की कटिंग करेंगे। हमने पीछे वाला पल्ला का कपड़ा लिया है जो देता है, अब इसकी पीछे की कटिंग करेंगे। तो कैसे करेंगे वो देखिए, यहाँ से लेना है, इसको हमें अच्छे तरीके से डबल करना है। ऐसे डबल हमने कर लिया, इसके ऊपर आगे वाले को उठा के डालेंगे। सफाई से आगे वाले पल्ले को इसके ऊपर हमने बैठा लिया है। अब कर लेते हैं कटिंग अच्छे तरीके से। पहले ऊपर से मिला देंगे दोनों को। जो बिल्कुल बिगनर हैं, जिनको इंची टेप से नाप समझ में बिल्कुल ही नहीं आती है, मैं उनके लिए बताई हूँ। ये देखिए अब कर लेंगे इसकी कटिंग ऐसे, फिर इधर से कटिंग कर लेनी है। इधर से आर्म होल, तो आगे वाले से 1/2 इंच हम ऐसे कम कटिंग करेंगे आर्म होल के। ये देखिए तो आगे वाले से हमने 1/2 इंच कम कटिंग किया है, तो ये आगे पीछे की पल्ला हो गई।
फ्रेंड्स फ्रंट नेक और बैक नेक की कटिंग स्टिचिंग मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। मैं कुछ डिजाइनिंग बनाने वाली हूँ तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, हमने कौन सा डिजाइनिंग बनाया है। इसके बाद मैं कटिंग स्टिचिंग नेक की शेयर करूंगी। तो यहाँ से ये हो गया कमर वाला, तो मैं कटिंग करके मार्क लग इस तरीके से, ये देखिए। अब हमें बाजू कटिंग करनी है। हमने बाजू के लिए फैब्रिक को डबल कर लिया है, अब हमें बाजू उठाना है। इससे हमें छोटा बाजू बनाना है, जो अभी ट्रेंड में चल रहा है कहनी तक वही बाजू बनाएंगे। तो इसको हम अच्छे तरीके से ऐसे रखते हुए, अब उसके बाद ये बाजू रखेंगे। हमें इतना छोटा बनानी है, ये देखिए, इसको ऐसे हमने रख लिया। उसके बाद मार्क कर लेते हैं ये, और इतना हमें एक्स्ट्रा लेके चलना है ऐसे बराबर से कर देते हैं। उसके बाद यहाँ से कटिंग करेंगे, ये हो गई बाजू की कटिंग। अब दोनों बाजू अलग करेंगे, हमें इतना ही बड़ी बाजू बनानी है। बाजू को अपने साइज से जितना बड़े बनाना हो आप बना सकते हैं, कम ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ से लेंगे आगे के साइड हाफ इंच छांट लेंगे, ऐसे आगे के साइड छांटना होता है, तो एक में हमने छांट लिया। बिना इंची टेप आप अपने लॉन्ग कुर्ती से लॉन्ग कुर्ती की कटिंग कर सकते हैं। इससे पहले तो बहुत सारे हमने कटिंग स्टिचिंग शेयर किया हुआ, एक बार मेरे चैनल अमेजिंग स्टाइल पे जाइए और देखिए, यही मेरे चैनल का नेम है अमेजिंग स्टाइल। ये देखिए इस तरीके से हमने दोनों बाजू की कटिंग कर ली। तो चलिए पूरी फुल व्यू दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स ये हो गया दोनों बाजू, इसी में है एक बाजू ये, एक बाजू ये, और इसमें है आगे पीछे का पल्ला। तो फ्रेंड्स हमने नेक कटिंग स्टिचिंग नहीं किया है, हमें कुछ डिजाइनिंग बनानी है। तो लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी कि मैं नेक की कटिंग स्टिचिंग कैसे की है और कौन सा डिजाइनिंग बनाया है, इसलिए मैंने नहीं इसमें किया है। तो नेक की डिजाइनिंग सीखने के लिए कटिंग स्टिचिंग आप लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइए और देखिए कैसे हमने किया है। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट कटिंग स्टिचिंग के साथ, जब तक के लिए बाय बाय।